बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोस्तों मैं हूं आपको होस्ट इमरान खान और आप देख रहे हैं ट्रैवल एंड फूड। तो दोस्तों आप मौजूद हैं नवाज चौरंगी पे, हारून वियानी कैटरिंग पे। तो हमारे साथ हारून साहब मौजूद हैं, तो ये मजीद डिटेल हमें देंगे। तो आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर? तो बेटे के खरीद हैं। अच्छा माशाल्लाह हारून साहब, मैं देखो काफ़ी अर्से आप ये प्रोग्राम आपने लगा रहे हैं, और इन फ्यूचर क्या प्लान है आपका? सर ये 25 साल से इफ्तारी लग रही है। अच्छा माशाल्लाह, पहली इफ्तारी लगी थी हमारी 35,000 रुपये में रोल और समोसे। ठीक है, इसके बाद तरक्की होती गई, आज 65 लाख रुपए पे इफ्तारी खड़ी हुई। माशाल्लाह, यानी कि पूरे महीने में 65 लाख 65 लाख रुपए पे। अच्छा, 28 रोजे तक कम होते हैं। सही है, पहले रोजे से लेके 28 रोजे। अच्छा, इसमें 8 किलो चावल होता है, 5 किलो चिकन होती है, 2 किलो छोले होते हैं। ठीक है, पूरा महीना ये गोश्त और चिकन की बिरयानी चलती है। अच्छा, खाली इसे पुलाव का और ये सारे खजूर इन चीज़ों का खाली अपने इफ्तारी या शहर का भी कोई प्रोग्राम होता है? नहीं, शहरी का कोई प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ हम इफ्तारी करते हैं। और ये बता दूँ, JDC से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कतई नहीं है। ये 10 साल हुए इस फील्ड में आए, मुझे 25 साल हो गए। ठीक है, ये कहानी है। मजीद क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, अपना मजीद के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, ताकि लोगों को पता चले कि सिर्फ JDC से अलग हैं आप। जी जी जी, JDC से हमारा वैसे भी वास्ता नहीं है कुछ, JDC हमारा दोस्त है, बिजनेस से रिलेटेड थोड़ा सा बता दीजिए। हमारा दोस्त है, लेकिन इससे हमारा खाने से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। ठीक है, उनकी इफ्तारी भी हमारे साथ लग जाती है। सही है, ये इनकी मेहरबानी है कि कूलर नहीं मचता ना। अच्छा, नहीं तो ये अपनी इफ्तारी अलग करेंगे, हम अपनी इफ्तारी अलग करेंगे। तो ये क्या करते हैं, समोसे रोल जो इनके होते हैं, ये हमारी इफ्तारी के साथ सारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। हाँ, ताकि जो है ना ये आसानी हो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मजीद चल के भी आपको दिखाते हैं यहाँ के। तो आइए मेरे साथ। अच्छा, हमारे साथ दोस्तों एक साहब मौजूद है, वो हमें कुछ बताएंगे इस अफ्तारी के बारे में। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई, खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कब से आ रहे हैं अभी यहाँ पे? माशाल्लाह, जब से सहरी और अफ्तारी हो रही है उस वक्त से ही माशाल्लाह आ रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ कि ये JDC का नहीं, ये दूसरे के, JDC का दूसरा है। तो यहाँ ये दूसरा सेटअप है, वो JDC का अलग है। तो यहाँ पे कब से आ रहे हैं आप? यहाँ से माशाल्लाह ये दूसरा तीसरा रमजान है हमारा, जब से ये हाजी साहब जिनका अभी इंटरव्यू किया है। माशाल्लाह हाजी साहब जो है ना, माशाल्लाह बिला रंगो नसल मजहब जुबान माशाल्लाह ये आवाम की खिदमत कर रहे हैं। और जो दूर दराज से लोग आते हैं, और जो ज़्यादातर तंग दस्त होते हैं, जो परेशान हाल है, जो बेरोज़गार है, और जो दूसरे मुल्क से यहाँ पर रोज़ी कमाने के लिए अपने बच्चों के लिए आए हुए, और उनके लिए यह सहरी का अहतमाम होता है, अफ्तारी का अहतमाम होता है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि कराची में एक परदेसी को 2 टाइम का खाना मिल जाए और सहरी अच्छी, अफ्तारी अच्छी हो जाए, तो क्या ही बात है। वेल एंड गुड, बिल्कुल बहुत बेहतरीन माशाल्लाह। अफ्तारी का निज़ाम भी बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, और खाना बड़ा सेहत बख्श है माशाल्लाह। हम भी खाते हैं, हम खुद भी आकर खाते हैं माशाल्लाह, रोज़ा अफ्तार करते हैं, सहरी यहाँ पर आकर करते हैं हम लोग। तो हाजी साहब को भी परफॉर्मेंस है, और ज़फ़र अब्बास जो हमारे JDC के हैं वो भी अच्छा माशाल्लाह, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही सलाब जदगान का आपको पता है कि माशाल्लाह बेबहा ट्रक भर भर कर राशन के वहाँ पर गए, जहाँ पर किसी की दस्तरस नहीं थी पहुँचने की, वहाँ JDC पहुँचा है। वहाँ ज़फ़र अब्बास एक मजलूम की आवाज़ बनकर पहुँचा, एक प्यासे की आवाज़ बनकर पहुँचा, जो भूखा प्यासा एक दरिया किनारे बैठा हुआ था और इतने इतने पानी में वो था, जब उसने पुकारा तो ज़फ़र अब्बास भाई वहाँ पर पहुँचा और उनकी मदद की, उन्हें राशन पहुँचाया, पानी पहुँचाया, खाना पहुँचाया। तो ज़फ़र अब्बास भाई की सलामती के लिए दुआ है कि परवरदिगार उनके इदारे JDC को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। हाजी साहब के लिए भी कोई, और हाजी साहब की तो क्या ही बात है, वो हमारे लिए एक नेमत है। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, इसी तरह वो सहरी और अफ्तारी करवाते रहें, ताकि अल्लाह ताला उनको बरकत दे। और इन सब लोगों की दुआएं, और माशाल्लाह जो आप कवरेज करने वाले हैं, आप जिस चैनल से भी ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह ताला आपके चैनल को भी तरक्की दे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आबाद रहें, बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, मज़ीद आगे जाके JDC का भी आपको दिखाते हैं, सामने JDC का अलग है सेटअप, वो भी दिखा लेते हैं। आइए, दोस्तों ये तो हाजी हारून साहब का ये सेटअप था जो अफ्तारी के लिए है, बाकी पीछे JDC का भी ये सेटअप इनका अलग है, ये सहरो अफ्तार दोनों करवाते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई, फिर मिलते हैं किसी वीडियो से, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।